तो फ्रेंड्स, स्वागत फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और जैसा कि पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है ASO का एग्ज़ाम कैंसिल होने का। सो बेसिकली कल मैं बता नहीं पाया, चूँकि कल मैं आया ही था काफ़ी लेट से और काफ़ी थका हुआ था, खाना खाया इसलिए सो गया। और फिर मैं सोचा कि चलो भाई, आज जाने से पहले आप लोग को कम से कम एक वीडियो बता दूं कि क्या कारण है एग्ज़ाम कैंसिल होने का और अब आपकी परीक्षा कब होगी। चूँकि जाहिर सी बात है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद ही सारे यूट्यूबर्स, मैं उन्हें बोलूँगा, मैंने उन्हें फैकल्टी तो नहीं बोलूँगा, सारे यूट्यूबर्स ही बोलूँगा कि मेरे वीडियो बनाने के बाद ही वो चीज़ बताते हैं कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा वीडियो ही यूट्यूब पर आया था कि एग्ज़ाम होगा भी और कैंसिल होने का भी अपडेट भी मैंने सबसे पहले दिया था। ठीक है, चलिए, जो भी हमारे बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। सबसे पहले बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का तो बेसिक बताया ही जाता है। और साथ साथ बात करते हैं बिहार के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसा कि पता होगा कि बिहार में भी 5 लाख वैकेंसी आने वाली है। और इस 5 लाख वैकेंसियों की बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक तबके के बच्ची को यहाँ पर जॉब मिलेगा, चाहे वो 10th लेवल का हो, 12th लेवल का, या फिर ग्रेजुएट लेवल का हो। इसलिए आपकी जो भी योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुसार हमारे साथ बने रहिए हमारे सफर में। आपके अनुसार जो भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो बात करते हैं कॉन्स्टेबल की, या फिर बात करते हैं आपके SI की, या फिर बात करते हैं अभी पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का आने वाला है, सचिवालय सहायक का आने वाला है, ये तमाम वैकेंसी आने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं पुराने बच्चों का, कि पुराने बच्चे का जो कि ASO का फॉर्म भरे हुए थे बिहार विधान परिषद का, उनका क्या कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले समझिएगा, एग्ज़ाम दो पहलू पर मैं बात करूंगा। एक, एग्ज़ाम कैंसिल होने का कारण जो कि अपरिहार्य कारण था, जो आपको अभी बताऊंगा। दूसरा, अब कब होगी परीक्षा। बात करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होने का, सबसे जो मुख्य कारण था वो था माल प्रैक्टिसेस, जिसको आप लोग बोलते हो कि जो सही तरीके से संस्थाएं काम नहीं करती हैं। होता क्या है कि पूरे पटना में सेंटर अलॉट किया गया था बिहार विधान परिषद के लिए, उसमें से 4 से 5 सेंटर टोटल, अगर बात करते हैं सेंटर की, तो टोटल 25 सेंटर अलॉट किए गए थे पूरा पटना में बिहार विधान परिषद का, ASO का और ऑफिस अटेंडेंट के लिए। उसमें से 5 सेंटर जो ऐसे थे जो अपने स्टैंडर्ड यानी मानक को पूर्ण नहीं कर पाए थे, यानी जब उनका औचक औचक निरीक्षण किया गया था, चूँकि 18 तारीख को एडमिट कार्ड जारी करना था और 23 तारीख को पेपर लेना था, जब उनका एटेंडम क्रॉस चेकिंग हुआ, जो हमारे माननीय बिहार विधान परिषद के अभी डायरेक्टर आए हैं हबीम के द्वारा, तो उसमें पाया गया बहुत सारे उसमें कमियां पाई गई। कमियां यानी कह सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज से माना गया कि वहां पर एग्जाम करवाने से ऐसा नहीं, देखो आप लोग जो बोलते हो कि पेपर लीक हो गया, सीट बिक गया, ऐसा बिहार विधान परिषद में कुछ नहीं होता है। मैं फिर से बताता हूँ, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में सीट बिकने जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है। होता क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ही कम होती है, इसलिए जाहिर सी बात है ऊँट के मुँह में जीरा वाली कहावत हो जाती है। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी कम होती है, जिस कारण से आप लोगों को लगता है कि यहाँ सेटिंग हो गई, सारा सीट बिक गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कैंडिडेट जाते हैं बिल्कुल जुनून जाते हैं। तो जब वहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया उस सेंटर का, तो वहाँ पर 5 सेंटर ऐसे पाए गए थे जो अपने मानक यानी जो स्टैंडर्ड थे उससे काफ़ी नीचे थे, सिक्योरिटी पर्पज़ से भी, क्वेश्चन का एरिया पर्पज़ से भी, और स्पेसियस पर्पज़ से भी। मतलब जो उन्होंने बोला था, जो उन्होंने कोटेशन में डाला था, उसके अनुसार इस बार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब जाहिर सी बात है कि 5 सेंटर जो पहले से रजिस्टर्ड थे, उसमें से अगर उन चीज़ों को मानक नहीं किया गया, तो बाकी 20 सेंटर पर तो जो एग्ज़ाम का जो सेंटर था वहाँ भार तो बढ़ाया जा नहीं सकता है। इसलिए 5 नए सेंटर की अलॉटमेंट की अभी ज़रूरत है, उन्हें कैंसिल कर दिया गया फिलहाल, और 5 और नए अलॉटमेंट करवाए जाएंगे, तब जाकर ये एग्ज़ाम क्लियर होगी। अब 5 नए अलॉटमेंट के लिए हो सकता है कि देखिए विभाग आजकल में टेंडर नया जारी कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम वाले, जैसे क्या होता है कि एक एक एग्जाम सेंटर का दो दो उसका उसका होता है। जैसे कि भाई देखिए कि हम अपनी ही बात कर लेता हूँ कि मान लो मैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता हूँ, तो मेरा एक एग्जाम सेंटर यहाँ पर है, दूसरा पटना कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में है, और अगर मुझे पहला वाला मेरा जो क्षेत्र है वो अप्रूव्ड है, तो मैं दूसरे वाले को भी रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, तो वो भी हो सकता है। अब आयोग के पास डिपेंड करता है कि परिषद जो है वो क्या करेगी। पहला, या तो वो नए टेंडर को निकालेगी, जिसमें 7 कम से कम नहीं भी तो 30 से 30 दिन तो लग ही जाएंगे टेंडर निकालने, ओके करने और फिर से उसको रीवेरीफाई करने में। और नहीं तो ये हो सकता है कि जो पहले से ही हमारे सेंटर बनाए गए हैं, उसी में से अगर किन्हीं का एक दो और सेंटर और होगा, तो वो अपने लिस्टेड को एड ऑन करवा सकते हैं अपने इस मानक के आधार पर। ठीक है, अब जो भी होगा इसका फैसला आज तो बृहस्पतिवार है, आज तो शायद नहीं हो पाएगा, जब भी होगा, चूंकि कल फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहेगा, मंडे को फाइनल आपको अपडेट मिलेगा कि इसका क्या होगा। अगर पुराने वाले ही सेंटर ने अपने नए सेंटर को अलॉटमेंट दिलवा दिया, तब आपके एग्ज़ाम जो है वो इस महीने के लास्ट तक एकदम श्योर है कि आ जाएगी। जैसे कि अगर बाय द वे 18 की बात करते हैं, आज 20 हो गया, तो 25-26 तक फिर से एक नया आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, एग्ज़ाम कैलेंडर 25-26 तक। और अगर नया टेंडर की बात करते हैं, अगर वो आया, तो अगले महीने मिड में, यानी कह सकते हैं जुलाई के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है।
फिर से मैं बता दूं, अगर जो 20 हमारे सेंटर हैं उसी में से अगर किसी एक दो का सेंटर जो है वो लिस्टेड होगा कहीं और, तो वो इसमें लिस्टेड करवा दिए, तो 25-26 को आपका एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया जाएगा। और अगर नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई तो अभी से अगर बात करते हैं तो 20 से 20 आपका अगले जुलाई में 20 से 25 तारीख तक आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जाहिर सी बात है, वीडियो में जो भी बोलता हूँ बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बोलता हूँ और कथित बोलता हूँ आपको देखने को मिलता है, इसलिए चीज़ों को मैंने पहले वेरीफाई करवाया कि क्या यही कारण है, और जब पूरा कारण की पुष्टि हो गई फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। सो आई होप जो भी बच्चे हमारे इस चैनल के सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो काफ़ी ज़्यादा भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, और जो मैं भी कभी कभी देखता हूँ ऐसे बिहार विधान परिषद और सभा के बारे में कोई कुछ भी आके बोल देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ों को पहले सही नॉलेज होना चाहिए, और वही बोल पाएगा जो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका सदस्य होता है, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।